नमस्कार दोस्तों, मैं मधुसूदन गौड़, सीनियर लेक्चरर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर। साथियों, आज हम मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर्स के अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, थर्मल पावर प्लांट में कंडेंसर को लगातार ठंडे पानी की आवश्यकता होती है। अगर पावर प्लांट के नजदीक रनिंग सोर्स ऑफ वाटर नहीं होता है तो हमें जो कंडेंसर का आउटलेट है, जहां की हमें गर्म पानी मिलता है, उसी पानी को वापस ठंडा करके यूज लेना होता है। तो इसका फंक्शन क्या है? यूज्ड वेयर कूलिंग वाटर इज नॉट अवेलेबल इन सफिशियंट क्वांटिटी फॉर कंडेंसर। ये दो तरह की होती हैं टावर्स, नेचुरल ड्राफ्ट और मैकेनिकल ड्राफ्ट। नेचुरल ड्राफ्ट है स्प्रे फील्ड, स्प्रे पैक्ड और हाइपरबोलिक, ये हम पढ़ चुके हैं। आज हम मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर्स का अध्ययन करेंगे। मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर्स हैं वो दो तरह की होती हैं। इंड्यूस्ड ड्राफ्ट और फोर्स ड्राफ्ट। साथियों, नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर्स के कंपैरिजन में मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर्स है, इनकी इनिशियल कॉस्ट ज्यादा होती है और इनके ऑपरेटिंग चार्जेस भी ज्यादा होते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ इनके कुछ एडवांटेजेस भी हैं। इस तरह की टावर्स में एयर के मूवमेंट के लिए हम फैन यूज लेते हैं। एयर का मूवमेंट ज्यादा होने के कारण जो सरफेस एरिया है पानी का, वहां से पानी ज्यादा इवेपोरेट होता है। उसका पानी का इवेपोरेशन है एयर के मूवमेंट के कारण बढ़ जाता है। इवेपोरेशन बढ़ने के कारण जो कूलिंग है रिमेनिंग वाटर की, वो भी बढ़ जाती है, और कूलिंग बढ़ने के कारण जो टावर की एफिशिएंसी है वो भी बढ़ जाती है। तो हमें इस तरह से इसमें फायदा मिलता है। और इस जो एयर की जितनी क्वांटिटी हमारे को रिक्वायर्ड है, जितनी हमें जरूरत है, उतनी क्वांटिटी हम एयर की इसमें सेट भी कर सकते हैं, गाउंड भी कर सकते हैं। अब हम इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर से इसके फंक्शन को देखते हैं। यहां पर कंडेंसर से गर्म पानी है वो इधर आता है और गर्म पानी स्प्रे होके छोटी छोटी बूंदों में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कि इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। और यहां ये बीच में पैकिंग्स पे गिरता है, ये पैकिंग्स लगा रखी है। इन पैकिंग्स पे गिरने से जो छोटी छोटी बूंदें होती है पानी की, उनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है और पानी यहां से ही नीचे आता है। एयर है वो इधर से अंदर आती है। यहां पे एक फैन लगा हुआ है जो कि एयर को इधर से सक करता है। यहां से एयर टावर में आती है और पानी ऊपर से नीचे आता है, और एयर है यहां से ऊपर जाती है और यहां से ये पानी को इवेपोरेट करती है। पानी के इवेपोरेशन के कारण जो यहां पर हमको पानी मिलता है उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, और यहां से हम वापस इस पानी को कंडेंसर में यूज कर सकते हैं। तो एयर का मूवमेंट है वो यहां पर नेचुरल नहीं होके एक फैन द्वारा गवर्न होता है, और ये एयर का मूवमेंट है वो नेचर पे डिपेंड नहीं करके हम इसे
अलग से इसको मोमेंट देते हैं। इंड्यूस्ड ड्राफ्ट और फोर्स ड्राफ्ट में, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट में हम ये देखते हैं कि जो फैन है वो यहां पे एयर के आउटलेट पे लगा हुआ है। अगला जो इसका क्लासिफिकेशन है वो फोर्स ड्राफ्ट का है। फोर्स ड्राफ्ट में हम देखते हैं कि जो फैन है बाकी सभी चीजें सेम है, लेकिन फैन है वो इनलेट पे लगा हुआ है। इसी तरह से कंडेंसर से पानी है वह यहाँ अंदर आता है, स्प्रे होता है, यहाँ पे पैकिंग्स पे गिरता है और यहाँ से पानी नीचे गिर के यहाँ पर, यहाँ से ये पानी बाहर निकलता है, कंडेंसर से गर्म पानी आता है, यहाँ से कंडेंसर को वापस ठंडा पानी चला जाता है। एयर का मूवमेंट है, हमने इंड्यूस्ड ड्राफ्ट में देखा था कि यहाँ पंप लगा हुआ था एयर के आउटलेट पे, जबकि इसमें एयर के इनलेट पे ये फैन लगा रहता है और एयर को अंदर इसमें फोर्स करता है। तो ये फोर्स ड्राफ्ट है और पहले जो हमने पढ़ा था इंड्यूस्ड ड्राफ्ट है। केवल फैन की पोजिशनिंग है वो चेंज है, बाकी कोई भी इसमें इतना फर्क नहीं है। टेम्परेचर ऑफ द वाटर डिपेंड्स अपॉन, जो हमको टेम्परेचर इनमें कूलिंग टावर्स में मिलता है वो कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। हम देखते हैं कि वो क्या क्या है। सरफेस एरिया ऑफ द वाटर एक्सपोज्ड, जो यहाँ ये एयर ऊपर जा रही है, जो जितना ये पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है तो जितना ज़्यादा इसका पानी का सरफेस एरिया है वो एयर के कॉन्टेक्ट में आएगा उतना ही इवेपोरेशन है वो ज़्यादा होगा। ये सभी फैक्टर्स हैं वो इवेपोरेशन को बढ़ाएंगे, जिनको एक के बाद एक हम देखेंगे। टाइम ऑफ एक्सपोजर, जितना टाइम इसको एक्सपोजर का ज़्यादा मिलेगा उतना ही इवेपोरेशन है वो ज़्यादा होगा। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द एयर, एयर की रिलेटिव वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही क्या होगा पानी का इवेपोरेशन, हम समझ सकते हैं कि बढ़ेगा, जो कि फोर्स ड्राफ्ट में इसीलिए ये इसका एडवांटेज भी है कि एयर का मूवमेंट है वो नेचर पे डिपेंड नहीं करता है, हमारे हाथ में रहता है। तो एयर का मूवमेंट है वो ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा। रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर, जो एयर हम यहाँ पे अंदर आ रही है उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर उसकी ज़्यादा होगी एयर की तो उसकी जो इवेपोरेशन की जो क्षमता है, उसकी कैपेबिलिटी है पानी को इवेपोरेट करने की, पानी को हैंडल करने की, वो कम होगी। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर एयर की ज़्यादा है तो इवेपोरेशन है पानी का वो कम होगा और हमारे को कम ज़्यादा टेम्परेचर का पानी मिलेगा, और अगर इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम है तो पानी का इवेपोरेशन है वो ज़्यादा होगा। इस तरह से चारों ही जो फैक्टर्स हैं वो हम ये देखते हैं कि जो इवेपोरेशन है उसको बढ़ाते हैं, और इवेपोरेशन बढ़ेगा तो हमको पानी है वो यहाँ पर ठंडा मिलेगा। तो साथियों, मैं समझता हूँ कि आज का ये जो लेक्चर है उससे हमें फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर्स और इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर्स, जो कि मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर्स के अंतर्गत में आती है, इसका क्लासिफिकेशन है, उसको समझने में सहायता मिली होगी। धन्यवाद।